तो विपक्षी नेताओं पर ईडी के एक्शन को विपक्षी पार्टियां विपक्ष को कुचलने की साजिश बता रही हैं। कल मेरठ में हुई चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने इस करप्शन के खिलाफ अभियान बताया और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों का बचना नामुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।